नमस्कार, आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और एक बहुत ही उपयोगी विषय को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है फ्रेजेस। शब्दों के जो समूह हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये केवल नाउन के ही नहीं होते, ये एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के भी होते हैं। चलिए देखें कुछ उदाहरण एडजेक्टिव फ्रेजेस के, और परिभाषा वही है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव का काम करने वाला शब्दों का एक समूह है। उदाहरण देखें, मैंने कहा अ गोल्ड रिंग। गोल्ड यहां एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की परिभाषा आपको पता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस सम क्वालिटी समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में जो बताने वाले शब्द हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं। अब जब मैं कहता हूं अ रिंग, तो रिंग के बारे में, अंगूठी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर यदि मैं कहता हूं अ गोल्ड रिंग, एक सोने की अंगूठी, तो वहां पर चीज स्पष्ट हो जाती है कि अंगूठी सोने की है। पर अगर मैं कहूं अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो जब मैंने कहा था गोल्ड रिंग, तो गोल्ड वहां पर एडजेक्टिव था जो कि रिंग की विशेषता बतला रहा था। वो तो एडजेक्टिव एक शब्द था, पर जब मैंने तीन शब्दों को एक साथ मिलाया और बनाया मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बनी हुई, तो मेड ऑफ गोल्ड ने भी वही काम किया जो अकेला गोल्ड कर रहा था। तो जब मैं एडजेक्टिव हटा करके उसकी जगह दो तीन चार शब्द रख देता हूं, पांच छह सात शब्द रख देता हूं, और वो सब मिलकर के एडजेक्टिव का ही काम करे, तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये हुआ एक एडजेक्टिव फ्रेज, क्या? मेड ऑफ गोल्ड। एक और उदाहरण देखें, द इंडियन फ्लैग, हमारा ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा झंडा, द इंडियन फ्लैग, भारतीय ध्वज। अब आइए हम देखें कि अगर मुझे इंडियन शब्द हटाना है तो वहां मैं क्या लगा सकता हूं। तो मैं कहूंगा द फ्लैग ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया लगाते ही वहां दो शब्द आ गए, और उन दोनों ने मिलकर के वही अर्थ दिया जो अकेला इंडियन नाम का एडजेक्टिव दे रहा था। एडजेक्टिव था इंडियन, उसकी जगह आ गया ऑफ इंडिया। कोई भी चीज अगर इंडियन है, उसके साथ आप उसकी जगह पर आप ऑफ इंडिया लगा सकते हैं, तो वो इंडिया से या इंडिया का बना हुआ, इंडिया से संबंधित जैसा अर्थ देने लगेगा। और ये दो शब्दों का समूह ऑफ इंडिया एक एडजेक्टिव फ्रेज है। इसका चूंकि पूरा पूरा अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसे फ्रेज ही कहेंगे। अगर ये पूरा पूरा अर्थ देने लगे तो फिर हम इसे कुछ और कहेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं, अ करेजियस बॉय। मैंने एक लड़के के बारे में आपको बताया कि वो करेजियस है, यानी कि वो बहुत ही साहसी है, बहुत ही हिम्मत वाला है, अ करेजियस बॉय। अब बजाय इसको करेजियस कहने के मैंने कह दिया अ बॉय ऑफ करेज। अ बॉय ऑफ करेज, यहां पर ऑफ करेज ने वही काम किया जो करेजियस कर रहा है। इस तरह से करेजियस तो एक एडजेक्टिव है, जबकि ऑफ करेज एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एन अबंडेंट हाउस एक और सुंदर उदाहरण है। अबंडेंट का मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। एन अबंडेंट हाउस, मैंने कहा एक त्यागा हुआ घर, छोड़ा हुआ घर जिसमें कोई रहता नहीं है, बजाय ये कहने के मैंने कहा अ हाउस विदाउट एनी इनहेबिटेंट, अ हाउस विदाउट एनी रेसिडेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि बगैर निवासी वाला मकान, तो ये जो अ हाउस विदाउट रेसिडेंट हमने कहा, विदाउट इनहेबिटेंट्स कहा, ये जो तीन शब्दों का समूह है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये थे एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस के बाद बारी है एडवर्ब फ्रेजेस की, यानी ऐसे शब्दों के समूह जो एडवर्ब का काम करें।
An adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb. Adverb की परिभाषा थोड़ी सी recall करके देखें. An adverb is a word that tells us something about or that aids something in the meaning of a verb or an adjective or an adverb. Mainly तो verb की जो खासियत बतलाता है वही adverb होता है. तो एडवर्ब कैसे हो जाएंगे जिसमें आमतौर पर ly एंडिंग शब्द होते हैं, जैसे कि रियली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, केयरलेसली, केयरफुली. इन्हीं शब्दों को हम एडवर्ब्स कहते हैं क्योंकि ये काम करने का तरीका बताते हैं, काम करने का ढंग बताते हैं, उनकी खासियत बताते हैं, किस तरह से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस समय पर हो रहा है. तो यूजुअली वो टाइम बताते हैं या फिर जगह बताते हैं या काम करने की मेथड या मैनर बताते हैं. ये होते हैं एडवर्ब्स. अब अगर हम एक शब्द को इस्तेमाल करने की बजाय एडवर्ब फ्रेज का इस्तेमाल करते तो उसमें दो, तीन, चार शब्द मिलकर के उस एडवर्ब का काम करते हैं जो एक शब्द कर रहा था. और बोलचाल में हम ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि तीन चार शब्द आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. वैरायटी होती है, स्टाइल होती है, शैली होती है, बात करने का ढंग रहता है. किसी को ये तरीका पसंद है, किसी को वो तरीका पसंद है, कोई बहुत शॉर्टकट में जाता है, कुछ डिटेल्स में बताते हैं. तो ये अपने अपने तौर तरीके हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई बंधन हम नहीं लगा सकते. इसीलिए कोई लोग एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, कोई एडवर्ब फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं. देखें जरा कुछ उदाहरण एडवर्ब फ्रेजेस के. हमने कहा He fought the battle bravely. उसने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा. अब bravely ना बोलकर मैं कह दूं He fought the battle with bravery. With bravery, bravery होता है वीरता. उसने वीरता के साथ युद्ध लड़ा, वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा. तो with bravery ने bravely का स्थान लिया. Bravely एक शब्द था, with bravery दो शब्द हैं और दोनों शब्द मिलकर के वही काम कर रहे हैं जो bravely कर रहा था. मतलब कि वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए वो एक एडवर्ब फ्रेज है. और उदाहरण देखें carelessly. अभी मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया ही था, carelessly यानी लापरवाही से. अब लापरवाही से तो एक ही शब्द है carelessly, हालांकि उसमें तीन टुकड़े हैं, care में less जुड़ा, फिर उसमें ली जुड़ा, पर कुल मिलाकर के शब्द तो एक ही हो गया carelessly. carefully का उल्टा carelessly. अब मैंने कहा कि माई ब्रदर वर्क्स केयरलेसली, मेरा भाई लापरवाही से काम करता है. इसी को अगर मैं एडवर्ब फ्रेज में बोलू तो हो जाएगा माई ब्रदर वर्क्स विदाउट एनी केयर. अब विदाउट एनी केयर ये तीन शब्द हैं और तीनों ने मिलकर के वही काम किया जो केयरलेसली कर रहा था. इस तरह से वो एक एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा. बजाय यह कहने के कि अपवर्ड्स, यदि मैं कहूं टुवर्ड्स अ हायर अल्टीट्यूड, टुवर्ड्स अ हायर लेवल, तो बात वही होगी. अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ और टुवर्ड्स अ हायर लेवल या टुवर्ड्स अ हायर अल्टीट्यूड का मतलब भी वही होगा, थोड़े ऊंचाई पर, थोड़े ऊंचे स्तर पर. तो अपवर्ड्स एक एडवर्ब है और टुवर्ड्स अ हायर लेवल या टुवर्ड्स अ हायर अल्टीट्यूड ये एक एडवर्ब फ्रेज है. आखिरी उदाहरण मैं आपको देता हूं. अक्सर लोग कहते हैं ही वेंट एब्रॉड, वह विदेश चला गया. अब एब्रॉड शब्द सबको समझ में नहीं आता तो वो थोड़ा ऐसा चेहरे पर एक प्रश्नवाचक मुद्रा बनाते हैं और ऐसा देखते हैं एब्रॉड, व्हाट डू यू मीन बाय एब्रॉड. तो हमने कहा आई मीन He went to a foreign country. To a foreign country का मतलब यही है जो abroad का था. विदेश को चला गया, विदेश में चला गया. मतलब in a foreign country या to a foreign country के लिए एक शब्द है abroad. अगर आप वो शब्द जानते हैं तो आपके चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा और आप nodding करेंगे, yes, मुझे समझ में आ गया. पर अगर आपने eyebrow raise की और ऐसा देखा कि what do you mean? ऐसा बोला नहीं, बस देखा, तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा. आई मीन ही वेंट टू अ फॉरेन कंट्री और ही इज लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री. ही इज वर्किंग अब्रॉड
ही वेंट अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड जैसे एक शब्द को हमने उधर तीन शब्दों में, चार शब्दों में रखा, और यही है एडवर्ब फ्रेजेस का एक सुंदर सा उदाहरण। तो हमने ये समझा कि फ्रेजेस का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में जगह जगह पर होता है, और शब्दों के साथ साथ हमें फ्रेजेस भी सीखने पड़ते हैं। इनको हम बोलचाल की भाषा में वाक्यांश या जुमले कहते हैं, और ऐसे जुमलों से पटा पड़ा है हमारा भाषा का संसार। तो इन्हें हम अच्छी तरह से जानें, सीखें, और एक चीज और समझ लें कि कभी कभी इनका भी थोड़ा विस्तार होता है और एक छोटे मोटे वाक्य की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, तब इन्हें फ्रेजेस नहीं क्लॉजेस कहा जाता है। क्लॉजेस क्या होते हैं इसे हम जानेंगे अगले वीडियो में, जिसे जाने बगैर हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं सीख सकते। इसलिए हम सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिकली आगे बढ़ रहे हैं। आपके साथ की हमें जरूरत है, आप हमारे साथ बने रहें और अंग्रेजी सीखते रहें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosikho.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।